नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध न्यूज। अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर, 6 वर्ष पूर्व बेदखली आदेश का हुआ पालन। सीतापुर के मानपुर में शनिवार को फूलपुर गांव में पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के बाद रविवार को तहसील प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, पूरा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। गौरतलब हो कि तहसील सिधौली के अंतर्गत फूलपुर गाँव में जगन्नाथ पक्ष दीवार निर्माण कर रहा था। पूर्व प्रधान श्याम सुंदरी के दबंग पुत्रों ने अपने साथियों के साथ मिलकर समझौता कराने गए आरक्षी प्रदीप व कर्मवीर को लाठी डंडों से घायल कर दिया, जिसमें कर्मवीर का पैर टूट गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व महिला प्रधान के पुत्रों ने अपने दबंग रिश्तेदारों को पहले से ही इकट्ठा कर रखा था। मानपुर इंस्पेक्टर की तत्काल कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया था। तहसीलदार मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि गाटा संख्या 128 व 135 पर उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2016 की धारा 67 के अंतर्गत वाद लंबित था, जिसमें न्यायालय तहसीलदार सिधौली द्वारा दिसंबर 2014 में बेदखली का आदेश पारित था, जिसका क्रियान्वयन रविवार को नायब तहसीलदार, कानूनगो व 8 लेखपालों की टीम तथा भारी पुलिस बल व खंड विकास अधिकारी काजल के द्वारा जेसीबी मशीन द्वारा बेदखली की कार्रवाई की गई। तहसील प्रशासन की लापरवाही, अवैध कब्जादारों जगन्नाथ राम आश्रय के विरुद्ध 30 दिसंबर 2014 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था। तहसील प्रशासन की निष्क्रियता के चलते लगभग 6 वर्ष बाद भी बेदखली नहीं हो सकी थी। यदि इस पर समय से कार्रवाई की होती तो शायद उक्त घटना नहीं होती। वीडियो काजल ने बताया, खाली कराए गए अवैध निर्माण पर विकास विभाग द्वारा जल्द खड़ंजा लगाकर रास्ता बहाल किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी की सजगता से भीषण घटना टल गई। उन्होंने बताया कि 14 लोग नामजद व 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बचे लोगों की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।